मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मैंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है. मुझे किसी से कोई जलन नहीं, कोई शत्रुता नहीं. कोई भी मेरी जायदाद, मेरे आइलैंड्स भी छीन ले तो भी मैं मुस्कुराते हुए दे दूंगा. लेकिन एक शख्स है इस दुनिया में जिनकी मासूमियत का नकाब मुझे आज भी आओ चुपता है. मैं एक सेकंड भी जिनके साथ खड़े नहीं हो सकता. वो है जिन्होंने खोल के रखा है शो ऑफ का बाजार फिर भी देश का प्यार. जयेश कुमार. अरे क्या हुआ? भगवान ही मालिक है उसका जिनको जयेश ने चुना है डुएट के लिए, क्योंकि सारी तारीफ तो यही लेकर जाएगा. देखते हैं कौन है वो बेचारा ढक्कन. देखते हैं कौन है. आदित्य भैया, आपको भी सत्ता लग जाना है. आप जाने का तैयार है? टेलीविजन के सबसे बड़े सुपरस्टार जयेश कुमार जी ने इस बार जो हमने गाना चुना है वो मेरे पापा का गाना है, और जयेश और मैं मिलकर पापा के गाने को एक नया ट्विस्ट देंगे. बहुत अच्छा गाना मजा आते है. तो आदित्य भैया ऐसे गाने को प्रैक्टिस करते हैं, सिखाते हैं और भी बेहतर. ढक्कन, अरे ओ ढक्कन.
ये आदित्य को नजराना मैंने इसलिए दिया कि मैंने इसी उम्र में आदित्य को गाते हुए भी सुना है। ऑल द बेस्ट आदित्य, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जयेश, यस, कितना अच्छा गाया आपने, मुझे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इतना डिफिकल्ट गाना आप गा लोगे। जयेश, जयेश वो लाइन कैसे ली? मैं अधूरा तू अधूरे जी रही है, कैसा कैसा दिन आ जाता है कि कभी दुश्मन की भी तारीफ करनी पड़ती है। ओ गॉड, आज मुझे सच बोलना ही पड़ेगा, आदित्य नारायण आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। आज तुम घर जाके सोने नहीं वाले हो मुझे पता है। छोटे भगवान, आपने गाना बहुत कमाल गाया है। थैंक यू। अरे तू बहुत कमाल गाता है रे। अरे थैंक यू रे। हाँ छोटे भगवान, आशीर्वाद देने तू आएगा कि मैं आएगा? आप आओगे तो मैं आ जाता हूँ रे। आ जाओ रे। आशीर्वाद दे दे रे। अरे मैं देता हूँ रे। शुक्रिया आदित्य नारायण। और शुक्रिया जयेश कुमार, जिस दिन पावनी बकरी की पूंछ से लिपस्टिक नहीं लगाती उस दिन खुद पर करती है धिक्कार।